हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ मम्मी। आज हम बना रहे हैं भजिया वाली कड़ी। ये बहुत टेस्टी बनती है और ये कैसे बनती है मैं आपको दिखाती हूँ। कड़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले अदरक, हरी मिर्ची और जीरा, इसे मोटा मोटा हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और सेम ग्राइंडर में हमने दही डाल दिए। आधा लीटर दही में हम 3 चम्मच भर के बेसन डालेंगे और इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। और इसे सिर्फ आपको व्हिप करना है, आपको ग्राइंड नहीं करना है, फुल बस इतना ही आपको करना है। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और एक बार और व्हिप करेंगे, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ये आपका परफेक्ट कढ़ी के लिए पेस्ट रेडी हो गया है। इसमें और पानी जाएगा, वो हम बाद में डालेंगे। अब मैं आपको बघार करना दिखाती हूँ। अब हम एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ये 1 स्पून ऑयल है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो ये जो अदरक, ज़ीरा और हरी मिर्ची, ये हम डाल देंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दही और बेसन हम वो डाल देंगे इसमें। और इसे डालने के साथ ही आपको जल्दी से इसको मिक्स करना है। और हमने ये ग्राइंडर का जार भर के पानी और लिया है, हम वो भी डाल देंगे इसमें। हमने डबल पानी लिया है, जितना हमारा कड़ी और बेसन था उससे डबल हमने पानी लिया है। और अभी इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे और बीच बीच में आपको इसको स्टर करते रहना है जब तक बॉईल नहीं आता है। ये अभी बहुत पतली दिख रही है, लेकिन जैसे ये 5-10 मिनट बॉईल होती है ये अच्छी गाढ़ी हो जाती है। इसके लिए आप स्टार्टिंग में इसे पतला रखिए ताकि ये अच्छे से पक सके। आप बिल्कुल डरिए मत, डबल पानी डालिए। ये कड़ी अभी हमारी उबलने वाली है, आपको इसी तरीके से इसे चलाते रहना है और पकाना है। ये हमारी कड़ी में अच्छी बॉईल आ गई है, जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती है। हमने एक बर्तन में ये 2 अनियंस चॉप किए हुए लिए, इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची बारीक चॉप की भी डाल देंगे और थोड़ा सा कोथमीर डालेंगे। ये हमने 6 चम्मच बेसन ले लिए, आपको जितने भजिए बनाना है उसके हिसाब से आप बेसन ले सकते हैं। अब इसमें हम 1/4 स्पून हल्दी डालेंगे, 1 छोटा स्पून जीरा डालेंगे, 1/4 स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। हमने ऑलरेडी हरी मिर्ची डाले, इसके लिए हम मिर्ची थोड़ा कम ही डालेंगे। इसमें हम 1/4 स्पून सोडा डालेंगे, ये खाने वाला सोडा है। और इसमें टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, आपको एक साथ पानी नहीं डालना है, आपको पहले गाढ़ा बैटर ही बनाना है ताकि उसमें लम्स ना रहे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये भज्जी के लिए हमारा बहुत अच्छा बैटर रेडी हो गया है, आपको इसे एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तो आप हाथ से इसमें इस तरीके से भज्जी डाल दीजिए। आपको इस तरीके से इसे पलट देना है और इसे मीडियम गैस पर ही आपको फ्राई करना है। आपको इस तरीके से अच्छे से भज्जी फ्राई कर लेने, क्योंकि ये कड़ी में जाएगा तो और सॉफ्ट हो जाएंगे। इस पॉइंट पे हम हमारे भजिए निकाल लेंगे, हम और भजिए बना लेंगे। जितना आप सॉफ्ट बैटर रखेंगे बेसन का, उतने अच्छे भजिए बनेंगे आपके। एकदम कड़क बैटर नहीं बनाना है आपको। ये हमारे भजिए अच्छे से फ्राई हुए, हम इसे निकाल लेंगे। ये कड़ी हमारी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इसमें हमने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया था। हम स्टार्टिंग में कभी भी नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो हमें पता नहीं चलता है। आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा गैस बंद कर देंगे। अब इसे कवर कर देंगे। ये हमने हमारी कड़ी सर्विंग बाउल में निकाल ली है, इसे हम लिड कवर करके रख लेंगे। बघार करने के लिए ये हमने थोड़े से कड़ी पत्ते ले लिए, ये 1 अनियन को बारीक चॉप कर लिया है, 2 अखी लाल मिर्ची और ये 6-7 लहसुन की कलियाँ हैं, उसे हमने बारीक कट कर लिया है। ये हमने सर्विंग बाउल में हमारी कड़ी खाली कर ली है। इसमें हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे, इससे हम जब बघार करेंगे तो बहुत अच्छा कलर आता है। आपको 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालना है और इसे कवर करके साइड में रखना है। इसमें हम पहले 1 चम्मच राई डालेंगे, 1 चम्मच हींग डालेंगे, लहसुन डालेंगे, अनियंस और कड़ी पत्ता। जब आपका तेल अच्छे से गर्म होगा तो बघार बहुत अच्छे से होता है। अब इस बघार को हमें उठाकर हमारी कड़ी में डालना है। ये हमारा बघार रेडी हो गया है, इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे और इसे 5 मिनट के बाद हम सर्व करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी भजिए वाली कड़ी रेडी हो गई है।
ये बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।